प्यारे दोस्तों, आज हम ME04 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में पता करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस इसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और क्या क्या तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारे लिए ये आसान हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये करके सारी चीज़ें, इनके जो ब्लॉक हैं टोटल ये 10 बुक हैं, ठीक है, और थर्ड को इन्होंने 2 में पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा आराम से। थोड़ी वीडियो लेंथी हो सकती है, लेकिन अब चीज़ें बेटर है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा बताने में, शॉर्टकट नहीं अप्लाई करना चाह रहा। दूसरा ये है कि अगर आपका टाइम कम है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहली बुक ये वाली दोस्तों, ठीक है, व्हाट इज लैंग्वेज, फाइन। तो मैं आपको पेज नंबर भी बताता जाऊँगा साथ में, क्या क्या चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है करनी। समस्या ये रहती है कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म करें, और डर बना रहता है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला, हाउ एंड व्हाई डिड लैंग्वेज ऑरिजिनेट, ये ज़रूर आप करिएगा। दूसरा क्वेश्चन, ह्यूमन और एनिमल्स के साउंड के बीच में जो डिफरेंस है वो भी ज़रूर आता है, पूछते रहते हैं, ये आपने ज़रूर करना है। अभी मैं बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, सब आपने एक ज़रूर करना है, ठीक है। यूजिंग लैंग्वेज एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको मदद मिलेगी, इसके अंदर फ़ायदा होता है, ठीक है। अब यूनिट 2 पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है, एक एक चीज़ बताऊंगा, कहीं कोई चीज़ भी नहीं ख़त्म होगी। एक ये देखिए, ये वाला देखिए, स्ट्रक्चरल फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स दी सॉसरियन प्रिंसिपल्स, इसको भी देख लीजिएगा एक बार, नज़र मार लीजिएगा, ठीक है, और इसको तो देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ये सारा पढ़ लेंगे आप, ठीक है, आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। पहले तो ये इस जो ये वीडियो है इसलिए कि कौन कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप खुद पढ़ पाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो देखते हैं कितना करा सकते हैं। अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म, ये भी आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, हाईलाइट भी कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। साहब फिर ये तो आपको पता ही है, शॉर्ट नोट में तो आता है ब्लूमफील्ड, इधर देख कर लेता हूँ मैं, ब्लूमफील्ड पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, कुछ नहीं छोड़ना है आपने, ठीक है। यूनिट 3 फॉर्मल लिंग्विस्टिक्स, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये जनरल, ये वाला, ठीक है, ये आपको 3.3 जेनरेटिविस्ट एंड स्ट्रक्चरलिस्ट, ये ज़रूर आपने करना है, ठीक है, और इसका एक पार्ट है ये भी तो करना है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, जब आप ये सब करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। आप तो अभी कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा, डरे बैठे हैं आप कि क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा कुछ है नहीं। और बाद में जब मेरा अलग जो वीडियो होगा उसमें मैं बता दूंगा कि बेस्ट 10 करा दूंगा उनमें से ही आ जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं सारे बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। लिंग्विस्टिक साइन, सापिर वॉर हाइपोथीसिस, ये आपको पता ही है, ये तो पूछी ही जाती है, पिछली बार पूछी गई थी, इस बार हो सकता ना पूछें, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, रिस्क हम नहीं ले सकते। तो आपको पता लगा इस वाले जो बुक है हमारी पहली वाली, इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड वाली बुक ले लेते हैं दोस्तों, सेकेंड वाली, हो सकता है किसी साथी पे ये बुक ना हो हार्ड कॉपी में, कोई बात नहीं, पीडीएफ है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ इंग्लिश पूछा जाता है बार बार, इंग्लिश का ओरिजिन बताओ, ये पूरी की पूरी डिटेल आपको बतानी है, ठीक है, पूरा का पूरा दे देना, चिपका देना बढ़िया तरीके से। ओरिजिन्स ऑफ लैंग्वेज के ओरिजिन कैसे हुआ, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यहाँ तक तो बहुत होता है, लगता है कि यार सर ये तो एक ही पेज का, जब लिखने जाओगे ना तो बहुत सारे पेज हो जाएंगे। 3 पीरियड्स मेकिंग ऑफ इंग्लिश, ये बहुत पूछते हैं 3 पीरियड्स का, ठीक है, पेपर में आया हुआ है, फिर उठ देखिएगा इसको, इसमें यही है। उसके बाद चेंजेस इंग्लिश साउंड्स, इसको भी आप छोड़ सकते हैं बार को। चेंज इन कॉन्सोनेंट साउंड्स, इसको एक बार पढ़िएगा जरूर, आपको हेल्प करेगा, वॉवल सिस्टम में भी हेल्प करेगा, जरूर पढ़िएगा, कहीं ना कहीं चुपका सकते हो उसको थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट वर्क यूज़ करें। चेंजिंग इन स्पेलिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ गया बोरिंग्स, ये पूछता है इसके बारे में, ठीक है, बोरिंग्स के बारे में लिखे शॉर्ट नोट में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, ठीक है, इसमें तो बोरिंग्स का था, वर्ड फॉर्मेशन इतना नहीं पूछेगा। और आगे चलते हैं, इसमें तो वही है आपका चेंजिंग ओल्ड इंग्लिश नाउन, ये सब तो खैर आपको आते ही होगा, एडजेक्टिव, ये इसको छोड़ सकते हैं, इतना वो नहीं है,
ग्रामेटिकल चेंजेस इन मिडिल इंग्लिश ठीक है, नहीं ये मैं इसको, ये तो खामों का आपका टाइम खराब कर सकता है, नहीं नहीं इसके अंदर बस वही है जो मैंने आपको बता दिया। थर्ड इसमें लिखा हुआ थर्ड ए, ठीक है तो ये थर्ड ए है, होना चाहिए था ये थर्ड बी मेरे अकॉर्डिंग, पर ये कुछ कन्फ्यूज़न है इस वाले में, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है आगे चलते हैं, ये आपका इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, ठीक है दोस्तों। ओविल फोनेम्स ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। आपको सिर्फ मैं वही कराऊंगा जो पूछ ही रहा है, आप प्रीवियस पेपर उठा लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी छोट। ठीक है इसमें अभी तक कुछ खास नहीं नज़र आ रहा है, बिल्कुल एक करके आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये ना सोचें कि आपने कुछ छोड़ दिया या आपने अपने इंटेलिजेंसी शो करने के चक्कर में हमें मरवा दिया, अब पेपर में वो आ गया, लिख के दे रहा हूँ जो जो बोलूँगा वो आ जाएगा। ठीक है अब आ जाओ आगे, इंटोनेशन, इंटोनेशन भी पूछता है, ठीक है इंटोनेशन कर लीजिएगा, फॉर्म ऑफ इंटोनेशन, ठीक है ये आपको बहुत फ़ायदा कराएगा। टॉनिक लेवल ये इसी में पार्ट है तो ये तो आप करोगे, देख लीजिएगा इतनी हेडिंग से चिपकाएंगे तो बातें रे कॉपी भर जाएगी, मज़ा आ जाएगा। ठीक है इंटोनेशन कर लेना आप, इसमें बस एक ही चीज़ ठीक लग रही है। ठीक है आगे चलते हैं, ये कौन सा भी आएगा, ठीक है आ जाओ। बिगिनिंग ऑफ द इंडियन इंग्लिश नॉवल, ये भी बहुत अच्छा है, आ जाओ आगे। बैकम्स लिटरेरी कॉन्टेस्ट, ये देख लीजिएगा बैकम का लिटरेरी कॉन्टेस्ट क्या है, इन्होंने बहुत कुछ इसमें पूरा दे रखा है, लाइफ एंड व्यू भी दे रखा है इसमें, मैंने इसको नहीं किया था पर करा दूंगा मैं इसको, आप कर लेना आसान है वो, कि पेज अच्छा काम से भर सकते हो, पढ़ लेना चुपका लेना आसान है। ठीक है जो साथी पढ़ सकते हैं उनके लिए तो ईजी हो जाएगा पढ़ना, इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आया तो हेल्प कर दी जाएगी, डोंट वरी। ठीक है क्लासिफिकल ऑफ कॉन्सोनेंट्स, मैन ऑफ द आर्टिकुलेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लासिफिकल ऑफ द वॉवेल्स, देखो डिस्क्रिप्शन क्लासिफिकल ऑफ कॉन्सोनेंट पूछता ही पूछता है, वॉवेल्स आएगा ही आएगा, चाहे शॉर्ट में आए चाहे बड़े में आए, आप छोड़ ही नहीं सकते इसको। ठीक है आपको ये करना ही करना है, फोनेटिक इसमें इतना नहीं है, ठीक है वो कुछ मुश्किल नहीं है, किताब खोलोगे तो आसान है, डर बना रहता है बस, किताब से ले आ रहा हूँ, कहीं किसी से नोट्स मांगने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ बना बना है नोट्स हैं, इग्नू से अच्छे नोट्स कहीं मिलेंगे, बस सिलेबली पढ़ लेना इसको ना, कहीं ना कहीं चुपकाने का काम आ जाएगा, आपको फ़ायदा करेगा घाटा नहीं करेगा। ठीक है बैक इन यूनिवर्सलिस्ट नहीं लेनी है। ठीक है अगली, ठीक है चौथी बुक, ठीक है चौथी बुक मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ ताकि थोड़ा देखने में गंदा ना लगे दोस्तों, ग्रीन स्क्रीन लगाइए ताकि आपको अच्छा अच्छा लगे। ठीक है चौथी बुक, ठीक है चाहता तो मैं इसमें फ्लैग भी लगा देता लेकिन मैंने कहा बिल्कुल इस तरह से बताएंगे जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपको लगना चाहिए आप पढ़ रहे हैं तभी तो आप कनेक्ट कर पाएंगे दोस्तों, आपको लगना चाहिए मैं ही पढ़ रहा हूँ 3D फॉर्म में, तो इसमें अभी तक मुझे इतना कुछ मिल नहीं पा रहा दोस्तों, मैं ट्राई करे जा रहा हूँ, देखिए नहीं मिल रहा अभी तक मुझे कुछ ऐसा नहीं मिल रहा, वर्ड फॉर्मेशन नहीं 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 क्लासिफिकेशन मुझे नहीं समझ में आ रहा, ना 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 नहीं नहीं तभी तो आप परेशान हैं, कुछ इतने उल्टी सीधी बुक उठा लेते हो जो खुद ही परेशान कर देगी और फिर उसमें आप परेशान हो जाते हो। कोइंग ये कोइनिंग आप जरूर करना बेटा है ना, ये अच्छा है, पूछते पूछते हैं, और अगर आपको लग रहा हो कि मैं आपको फुद्दू बना रहा हूँ तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, कोइनिंग आया हुआ भी है क्वेश्चन, ये देखो अगर आप देख पा रहे हो ये रहा, ये आया हुआ है, कब आया हुआ है देखो, ये आया हुआ है दोस्तों दिसंबर 2020 में, ठीक है ये रहा। ठीक है तो छोड़ नहीं सकते आप कोइनिंग को, ठीक है बेटा ये ज़रूर करना बाबू आपको सभी को, कर लेना बहुत अच्छा है, 20 नंबर में आराम से चुपका देना, खूब काफ़ी सारा हो जाता है, और कोई अगर हाथ से लिखेगा ना, अगर कोई किसी कोई बच्चा अगर ये नोट्स को हाथ से लिखेगा मुझे दे दीजिए ना, कोई हाथ से लिख पाना तो आसान है नहीं, कुछ आप में से कोई तोप होगा दे देना, हेल्प हो जाएगी साथियों की औरों की, तो इसमें यही है ना, इस वाले में एक क्वेश्चन अच्छा लगा, देखो आप इतनी मोटी बुक है आप देखोगे पढ़ोगे आपको समझ में आएगा नहीं, और वहाँ पर क्वेश्चन लेगा आ रहा है तो परेशानी तो होगी।
आगे चलते हैं, छठी बुक ब्लॉक 5। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। खेलिएगा मत, छोड़ना नहीं है, सब कुछ देखना है। ये कौन सा है? यूज ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंटैक्स ना, इसको छोड़ो, फंसा देगा। एक एक चीज कराऊंगा दोस्त, एक एक चीज, अब वादा किया है तो करा। ठीक है, क्लॉजेस देखिए भाई साहब, क्लॉजेस तो पूछ ही रहा है, ये तो आपको करना ही करना है। क्लॉजेस भाई, क्लॉज वैसे तो सबको आते ही हैं जो पढ़ रहे हैं, क्लॉज कितने तरह से होते हैं, पूछता ही पूछता है। ठीक है, ये तो आपको पूरा करना है, सारा करना ही करना है, यहाँ तक बोल रहा हूँ। क्लॉज टाइप कितने तरह के क्लॉज होते हैं, ठीक है, ये तो पूछता है। फाइनाइट क्लॉज ये मतलब ये तो आएगा ही आएगा, आप इसे छोड़ ही नहीं सकते, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये क्लियर हो गया क्लॉज के बारे में। अगला आ जाते हैं आपका फिर डायरेक्ट ग्रामेटिकल फंक्शन, नहीं इसमें क्या करना है, केस में कोई खास नहीं है। एनपी मूवमेंट नहीं, मेरे को नहीं समझ में, एनपी मूवमेंट लगता है पर है नहीं, आए नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। द सिंटैक्स आई फेल, नहीं आ रहा। एग्रीमेंट नहीं, ठीक है, अभी इसके अंदर कोई खास नहीं लग रहा। ठीक है, प्रोनाउन रिप्लेस विदर फोरा, द बाइंडिंग थ्योरी, बाइंडिंग थ्योरी को एक बार देख लेना, वैसे तो ये खास हेल्प कर देगी आपको, एक बार देख लेना। एना फोर्स तो ये आया ही है, ये तो मैं बता देता हूँ कहाँ आया है, ये तो मैं बता देता हूँ, मैं आपके लिए प्रिंट आउट निकाल के लाया था, रखा हो। देखो ये रहा एना फोर्स, ये आया हुआ है ना, ये आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है, 2021 दिसंबर में, निकलो मैं है ना, तो इम्पोर्टेंट तो ये है ही। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बता देंगे। ठीक है, ठीक है, कर पाऊँ तो ये आपको समझ में आ गया। व्हाट इज स्कोप एंड सिंटैक्स, नहीं, क्वांटिफायर नहीं, स्कोप लॉजिकल अलग, नेगेशन नहीं, बस इसमें ये इम्पोर्टेंट है, आगे चलते हैं। ठीक है, छः में फटाफट ख़त्म कर देते हैं इसको, वीडियो लंबी बन रही है पर कोई बात नहीं, जो अच्छी चीज़ें तो थोड़ा टाइम लेती है। ठीक है, व्हाट इज सोशल लिंग्विस्टिक्स, ये तो आप करना ही करना है। ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, सोशल आप पढ़ो उसको, सोशल लिंग्विस्टिक्स, जो सोशल की बातें करते हैं, सोशल में जो लैंग्वेज की बात करते हैं, सोशल में जो लैंग्वेज का रोल होता है। ठीक है, ये भी आप करेंगे, ये भी आप करेंगे, आपको हेल्प होगी। ठीक है, नहीं बाकी तो पढ़ लेना, बाकी तो हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन को बनाने में, बाकी तो मेन वही है, सोशल नेटवर्क लैंग्वेज हेल्प कर देगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये भी ज़रूरी करना, बस इसमें इतना ही करना। नहीं, रिलीजियस प्लूरलिज्म एंड शेयर्ड वैल्यूज, ये नहीं है तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ खास नहीं है ना। वर्बल रिप्रेजेंटेशन बाय मल्टी नोशन, नोशन ऑफ स्पीच कम्युनिटी, ये जरूर करना, नोशन। ठीक है, नोशन का मतलब होता है धारणा, हमारी सोच, स्पीच कम्युनिटी आता आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, आप देखो इतने से में आप कहाँ ढूंढ पाओगे, कुछ और पढ़ते जाओगे और वो चीज़ पीछे रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। बीइंग बायलिंगुअल, बायलिंगुअल कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी आता है, बायलिंगुअल के फ़ायदे। ठीक है, आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, बहुत हेल्प करेगा ये। आगे चलते हैं, नीड ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन, ये तो पूछता ही पूछता है हर बार। ठीक है, करना ही करना है पूरा का पूरा, ये सब करना है ना, आपने ये सब करना ही है, ये सब कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब करना है। ठीक है, क्रिटिक्स भी कर लीजिएगा, अच्छा है, लिखने में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आपका छठा भी हो गया, सातवां, बहुत तेज़ी से कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी वीडियो छोटी से छोटी हो जाए, आप थोड़ा सा समझ में आ जाओ। लेवल ऑफ द मल्टी लैंग्वेज करना ही करना है। ठीक है, ये आसान है। आगे चलते हैं, मिक्सिंग कोडिंग आता ही आपको पता ही, मिक्सिंग कोडिंग आपको करनी करनी है, मिक्सिंग कोडिंग। ठीक है, ठीक है, स्विचिंग कोडिंग शॉर्ट में बड़े में आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, ये तो करना ही करना है, मिक्सिंग और स्विचिंग। ठीक है, छोड़ना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आ जाओ। ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज प्लानिंग इंट्रोडक्शन, लैंग्वेज प्लानिंग इंट्रोडक्शन करना है, इसको भी पढ़ लेना, ये भी हेल्प करेगा, देख लो। ठीक है, टू डॉट डेफिनेशन लैंग्वेज प्लानिंग, ये तो खैर एक ही चीज़ है, इसको पढ़ ही लेना, आसानी को रीड कर लेना, आपको हेल्प मिलेगी अपने हिसाब से। हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग बिल्कुल करना ही करना है, बहुत आसान है, पता नहीं मैं अब आपको आसान लगने लग जाएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करके जाना, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत बुरा लगता है, दुख होता है, बहुत मेहनत करते हैं,
बहुत मेहनत लगती है, जो वीडियो बनाते हैं उन्हें पता है कितनी मेहनत लगती है। टाइप ऑफ द लैंग्वेज प्लान ये कर लेना, ठीक है। कम से कम गुरु दक्षिणा में ये दे दो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो भैया, हमें भी अच्छा लगता है, आगे वाले लोगों को फ़ायदा होगा जैसे आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लैंग्वेज प्लानिंग ये भी अच्छा है, लिमिटेशन लैंग्वेज ये सब कर लेना, लैंग्वेज प्लानिंग का आपको हेल्प मिलेगी, ये भी कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ द कंजर्वेशन द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल स्पीच एक्ट कन्वर्जन इम्प्लीमेंट नहीं मैं इसको इसको मैंने कहा, हाँ ये तो इम्पोर्टेंट है, ये है कि भाई जब हम कोई बंदा लैंग्वेज सीखता है तो उसमें एज सेक्स एप्टीट्यूड ये सब कैसे काम आता है, ये पूछता ही पूछता है, ठीक है, सब करना है, ठीक है, ये करना है, सेक्स इंटेलिजेंस सब करना है, एप्टीट्यूड आता ही आता है, ठीक है, ओके। अगला है कॉग्निटिव स्टाइल, बिल्कुल पूछता है, मोटिवेशन वाला पार्ट भी, पर्सनैलिटी का क्या रोल है जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, बहुत अच्छा है, एटीट्यूड का क्या रोल है, बिल्कुल करना दोस्तों। ओ सॉरी मैं इधर माफ़ी चाहूँगा, कई बार नहीं देखा तो मैं दोबारा से कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैमरा सेट होता है ना तो उसकी आदत नहीं रहती, क्योंकि आजकल तो मोटिवेशन आया हुआ है, 2021 में आया है, आप सब छोड़ो, 21 में आया क्या, 20 में आया, हाँ ये है, ये 2021 में आया है, देखो जून में यह है मोटिवेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है पूरी की पूरी तरह मैंने होमवर्क किया है, जब काम किया है, क्योंकि जब मैं पेपर दिए तो मैं तो ऐसे ही पास हो गया था, मैंने मेहनत नहीं करी थी, मैं तो ऐसे ही पास हो गया, पता नहीं क्या पढ़ के गया था मैं, तो याद भी नहीं है, लेकिन जब कहा लोगों ने लैंग्वेज में दिक्कत है तो फिर पूरा मैंने रिसर्च किया तो फिर किया, तो मैंने क्या क्या पढ़ के गया था, फिर याद आया मैंने ये सब पढ़े थे, ठीक है। इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वाला है, जो ब्लॉक मेरे दोस्तों साथियों आर्ट है, आर्ट दिख गया ना, बहुत बढ़िया, येलो आर्ट, ठीक है, सेकेंड क्लास बुक, इसमें क्या है, इंटरनेशनल वैरायटी ऑफ इंग्लिश ये भी कर लो, अच्छा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्लॉक छोड़ो, द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ द लैंग्वेज, इसको एक बार देख, इसको एक बार देख लेना, पढ़ना है, चिपकाने में काम आएगा, बढ़िया ये। ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट इंग्लिश का ये काम आएगा, इंटरनेशनल वैरायटी ऑफ इंग्लिश पढ़ो जरूर, हेल्प होती है कहीं भी जब आप बनाते हो चिपकाने में, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज पिटिगिन्स एंड सेरोलिस, ये तो आप पूछते ही पूछते हैं भाई साहब, पिटिगिन्स एंड सेरोलिस, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है, ठीक है। वेरिएशन स्टडी छोड़ो, अगला आएगा स्टैंडर्ड इंग्लिश, बिल्कुल करना दोस्तों, प्रोसेस ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन पूछता है पूछता है, ठीक है, ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है ये वाला ब्लॉक का, ये वाला यूनिट तो, ठीक है। आगे चलते हैं, द स्पीड ऑफ इंग्लिश स्कॉटलैंड, ये नहीं बस पढ़ लेना, मेरी तरफ से तो मैं इसको नहीं अलाउ कर रहा, सेल्टिक थ्योरी इसको पढ़ लेना एक बार, स्पीड सावरा अगर पढ़ पाओ तो, अगर बाद में देख लेना इसको सबसे लास्ट में, स्पीड ओवरसीज, इसको ओवरसीज वाले को पढ़ लेना, छोड़ सकते हैं इसको, कैरेबियन इंग्लिश मतलब इसको पढ़ लेना एक बार, राइज ऑफ द न्यू स्टैंडर्ड, पता लगा कि अगर कुछ फंस गया तो उसमें निकल तो जाओगे, अमेरिकन इंग्लिश आता ही आता है, अमेरिकन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। लैंग्वेज ऑफ द इंपीरियल रूल्स पढ़ लेना, ठीक है, और आगे चलते हैं, द अराइवल ऑफ इंग्लिश, बहुत अच्छा, ये इंडिया का, इंडिया बड़ा आसान है, फ्री का नंबर मिलेंगे, हमको पता ही इंग्लिश का, हमारे अंग्रेज लेके आए थे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश बिल्कुल करना दोस्तों, छोड़ना नहीं है, कंसोलिडेशन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ये चीज़ बड़ी आसान है। पोस्ट इंडिपेंडेंस लैंग्वेज पॉलिसी क्या बनी थी हमारे यहाँ, ठीक है, चुपका सकते हो, पूछ सकता है तो कुछ ना कुछ लगा सकते हो। क्लाइन ऑफ द बायलैंग्वेज, ठीक है, क्लाइन क्या बायलैंग्वेज के, ये भी आप कर लेना, ओके। द इंडियनस, ये देखो ये पूछता है पूछता है, इंडियनस इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, ये पढ़िए आप। इंडियन राइटिंग इंग्लिश बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है, ये आपका आठ होगी बुक, लास्ट बुक देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। व्हाट इज लैंग्वेज पूछता है पूछता है, लैंग्वेज क्या है होना चाहिए पहले में, पहले ब्लॉक में लेकिन लास्ट में, लैंग्वेज वेरिएशन बिल्कुल करना, ठीक है, बहुत हेल्प करेगा लैंग्वेज में, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, क्रिटिसिज्म, लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म, ये सब पूरा अपने आप में एक पूरा का पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपने सारा करना है, ये सब करना है आपको, ठीक है। ये तो पूछता ही, ये भी पूछता है, ये वाला देख लो, स्टैटिस्टिक्स पूछता है भाई, 15 से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, आराम से हो जाएगा। स्टाइल पूछता है, स्टाइल बताओ, ठीक है। ड्यूलिज्म बहुत फेवरेट है, ठीक है।
बहुत ही प्यारा है, बहुत ही आसान है। मोनिज्म पूछता ही पूछता है, ठीक है, छोड़ना ही नहीं है इसको। ड्यूलिज्म मोनिज्म तीन चीज़ पूछता है, ठीक है। कंपेयरिंग पूछता है, बहुत अच्छा। एक तीसरा ये है प्लूरिज्म, छोड़ना ही नहीं है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है दोस्तों। आ जाओ आगे, 20 मिनट की वीडियो बन गई है, कोई बात नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फोर गार्डिंग, छोड़ना नहीं है, ठीक है। फोर ग्राउंडिंग करना ही करना है। ये फिक्शन तो कह रहे थे, खास नहीं है, आपको ये करना ही करना है। और एनालिस नहीं, पोएट्री पूर्ट का कुछ नहीं है। ये क्या है, पैसेज नहीं, चेकलिस्ट मोर पैसेज नहीं। मेरे हिसाब से जितने इम्पोर्टेंट थे वो आई थिंक हम कर चुके हैं, फिर भी कुछ रह ना जाए। मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से ठीक है, ये एंड हो गया। तो बस जो भी था दोस्तों यही था, और ये आप कर लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बेस्ट विशेज़ है मेरी तरफ से, और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ तो आइडिया लगा होगा, और आप कनेक्ट कर पाएंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और बाकी इनकी और डिटेल्स अगर आपको समझ में नहीं आएगी ना, ये क्वेश्चंस मैं डिटेल में थोड़ा बता दूंगा और कनेक्शन आपका हो पाएगा। नोट्स तो बने बनाए, फिर भी दिक्कत हो तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।